नाज़रीन प्रोग्राम यूज़ टाइम में भलीकार आऊं आया मुझे मेज़बान जुनेद अंसारी। नाज़रीन अज एक अड़ो बयान आयो है जै बयान पाकिस्तान जमहूरियत पाकिस्तान इदार एक वो सवाल उथारे छो है। अपोजिशन पार्टी के तरफा अड़ा बयान इंदा रहा माजी में भी जो अपोजिशन पार्टी हुए कें अड़े इदारे से सवाल उथारे जैसे इहा गाल खदशो हो हुकूमती असर आ तो उन गाल एतो वजन न हों पर एक अड़ो इदारो जो मुल्क में इलेक्शन जमहूरियत जामिन हो उनते हुकूमती धुर जो मेंबर हुकूमती धुर जो भी अहम मेंबर जो विफाकी वजीर हुए विफाकी वजीर रेलवे हुए वो अड़ा सवाल उथारे सवाल न बल्कि इल्ज़ाम हणे तो उनको असर कड़ो पवो इदार उस विफाकी हुकूमत पी सोच उन जाहिर थे उनसा मजमू तौर जमहूरी सेटअप से केतरा सवाल उथन था। अज विफाकी वजीर आजम सवाती साहब एक पे बयान में चाहिए तो इलेक्शन कमीशन जमहूरियत के तबाह करण जो जामिन है इलेक्शन कमीशन पैसा वतान सेनेट की कमेटी की अकबर सेनेट की कमेटी इजलास रो जैमें इलेक्शन बाबत इजलास थे जैसे सरबरा सेनेट इलेक्शन कमेटी जो ताजदर साहब हो जैसे मौको मिलो आजम सवाती साहब के तो उन्होंने इल्ज़ाम हो तो पैसा वतान इलेक्शन कमीशन इन मौजूद से ाल इन वक्त असर पैनल टीम जॉइन किया जैमें शामिल नसीर मेमन साहब सोहेल सांगी साहब इनाम भट्टी साहब अमर सिंधु साहब सब का पे हलों सोहेल सांगी साहब ने सोहेल साहब सवाल यो है तो फेडरल गवर्नमेंट है पीटीआई जी पीटीआई के फेडरल गवर्नमेंट विफाकी वजीर इन मौके से अची इलेक्शन कमीशन से एतरा संगीन इल्ज़ाम हणे तहे ख्याल में पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट के रैंक्स में एतरी आखिर गैर यकीनी छो है पीटीआई जो ईवीएम के मामले से एतरो अगते निकरी आई है जो सीधी रीत इदार इल्ज़ाम पे हणे वही गाल है तो इन आईनी इदारे के खिलाफ हुकूमत गाल बल्कि उनमें आजम होती साहब साो बे नंबर से जो गाल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो ये सो हुकूमत करण पी चाहे इन्हीं से जे भी लॉ मेकिंग थी पे उन्हें वा एतराज इलेक्शन कमीशन वारिया हुआ ये मुझे घर में अद डजन खन जैसे बारे में उन्होंने तो भाई ये सब शूं करो मुमकिन को मुख्तलिफ मिसाल भी ना वह हुआ तो उनमें यो सब कुछ थे तो उन्हें का भी ट्रांसपेरेंसी नी थे जहर असके इतने जो कंडीशन उसे सो उन सूट न थी कन वगैरह वगैरह हाँ जो इन्होंने सो जैमें मतलब त इलेक्शन कमीशन के कुछ मेंबर की कुछ नवा मेंबर खड़ना उ पुराना मेंबर ये इन्हें वो मसलो पैदा थी रो हुकूमत इक कोशिश है मुझे लगे तो उनमें यो ही तो इलेक्शन कमीशन में जो सिटिंग मूल जो मेंबर चेयरमैन उन्हें उतना का हलिया वन जीती पवजन बन लफ्जन में यो तो इलेक्शन कमीशन ही जड़ो कर टूटी वे पूरे तरीके से मुकम्मल नई इलेक्शन कमीशन ठे जैसे ठाण में जो ठे तो वह हुकूमत की मर्जी मुताबिक ठे तो समझा तो यो जो सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के तोड़न जो एक कोशिश आ इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारो आ जैसे ठाण के लिए पूरा प्रोसेस हों जैमें हुकूमत चुबे कें सरकारी अपोजिशन आने गजी कर मेंबर के खड़ना है उन हवाले से वो ढो दुख पवन यो वो जो सवाल आ इलेक्शन कमीशन के तोड़न जी तहे नुकतो यो है इलेक्शन कमीशन के टोण जो टोण लाए कोशिश कई पे वे हिकमत मिली तय थी पे वे जो माजी के दसूँ तो विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन में को खास खुश कान हुई छह सत महीना अगे जो मामला थे उनमें इलेक्शन कमीशन एक अड़ा फैसला दिना जैसे विफाकी हुकूमत काफ़ी खुश नजर न पे आई पर जैसे अज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले से सेनेट की कायमा कमेटी पार्लियामानी मामलों इजलास थो उनमें जो इल्ज़ाम है आजम सवाती वो तो किथे न किथे सीधी रीत आईनी इदारों से टकराव की गाल नसीर मेमन साहब तुम चवंदो सोहेल सांगी साहब जो तो ख्याल है इलेक्शन कमीशन के टोण की हिकमत मिली है फेडरल गवर्नमेंट की नसीर साहब एक भेरो बीहर तुम अचो शायद लाइन में डिस्टर्बेंस है तो जब अपनी प्रोडक्शन टीम के चवंस तो तुम एक भेरो बीहर राबो कर हलूँ था अमर सिंधु साहब अमर साहब तुम मुझे बुधी रहा जी बिल्कुल अमर साहब ईवीएम ने मामले ते हुकूमत एडी नाराज थी जो उन्हें वजीर सीधी रीत इल्ज़ाम हणी छा इलेक्शन कमीशन से सोहेल सांगी साहब चे तो इलेक्शन कमीशन के टोड़ चाहन था तुम ख्याल है
मां उन सुहेल सांगी साहब जी गाल के जरूर सेकंड कंदस पर मां ये चंदा त पाकिस्तान जी तारीख में आईनी इदारन ते चढ़ाई जो ही पेरो जो को आसो मिसाल कोने इन का अग में भी ता डठो तो मुख्तलिफ आईनी इदारा जे में सबनी खा वधिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ते हमलो भी थी चुको आ उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीज द चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के किए जका सा पांजो आईनी ओदो छडन दे मजबूर कयो वयो तो मां समझाती ते इन किस्म जो कोशिशु नरगो थिंदियो रहयो आइन पर इन किस्म जो कोशिशु हुकुमरान धुर के फबी भी वयो आइन तेंजे करे या बार-बार इन किस्म जी शाय थिंदी रहे थी के हिकड़े मानु ते इल्जाम आणे या तो पो भी अजा गाल थई सके थी हिन मुकम्मल तौर से इलेक्शन कमीशन के इदारे ते उन जी इदारती साख पे नरगो इल्जाम आयो आ पर वो एड़ो इल्जाम आ जेते पाकिस्तान जी पूरी पार्लियामेंटी जंके चे जे तो तारीख जो पार्लियामेंटी जे को जो पार्लियामेंट जो जेते बुनियाद पेला जेते चुंडन जो बुनियाद पेला उनके कंट्रोवर्सी वर्षत बनाए हकीकत में जका सा तहरीक इंसाफ पांजा जैके चाहिए तो मतलूब आ नतीजा जका सा वठन चाहे थी आम तासुर यो आए जिसो आसा उनते गाल नथा कयो तो हकीकत में चाहे या चा ना है तहरीक इंसाफ जी हुकूमत जडे खा यो आए तो आम तासुर यो आए तो नेब खा वठी अदालतन ताई अदालतन खा वठी बिन आईनी इदारन ताई आईनी इदारन खा वठी नंडन नंडन जे कैंसर नन ताई सब शयो जका सा तहरीक इंसाफ पांजे कंट्रोल में ई हलाण चाहे थी जी के डिघी जका सा जका जबरी जका आमरियत हुंदी आ जका तमाम आपेशाही जके हुकूमत हुंदी आ उन आपेशाही हुकूमतन में सबई जके हुकूमती इदारा त ठयो जके रियासती इदारा आइन जके रियासत के रिप्रेजेंट करण वारा आइन जिन के आइनी हासिल आइन अख्तियार हासिल आइन उन इदारन के भी ओवरलैप करे जेके उनसे हुकूमतूं हलंदियूं आहिनि इहे दुनिया जे अंदरि मिसाल मौजूदु आहिनि पर पाकिस्तान में बदतरीन जेका असां जेको परसेप्शन आयो आहे उहो बदतरीन परसेप्शन जेका असां इमरान खान जे दौर में आयो आहे ॾिठो ईअं वञे त हुनजी जेका तारीख़ रही आहे जेका असां ख़ासि तौर ते हिन वज़ीर आज़म जी या तहरीक इंसाफ़ जी उन तारीख़ जी उनजी इब्तदाई कुझु ईअं थी आहे तव्हांखे यादि हूंदो त इहा साॻी पार्लियामेंट जे पार्लियामेंट सिलेक्टेड या इलेक्टेड इनखे वज़ीर आज़म चूंडियो आहे उन पार्लियामेंट जे लाइ जॾहिं अपोज़िशन में हूंदो हुयो वज़ीर आज़म त उनजी औकात कहिड़ी रखंदा हुया ऐं उनखे कहिड़े नाले सां सॾींदा हुया ऐं हाणे बि तव्हां ॾिसो त वधि खां वधि जेके बि चूंडियल इदारा आहिनि उन्हनि खे अंडरमाइन कयो वञे थो मिसाल जे तौर ते इहा साॻी पार्लियामेंट आहे पार्लियामेंट में इहे वज़ीर घणे दफ़ा अचनि था पार्लियामेंट जे साम्हूं ई घणे दफ़ा जवाब ॾेई रहिया आहिनि पार्लियामेंट खे जी सुप्रीमेसी जे बारे में हिननि कॾहिं जेका असां ॻाल्हि कई आहे जंहिंजी बुनियाद ते जंहिंजे जमहूरी बुनियादनि ते ही सॼे आइन जो ढांचो ऐं आइन बीठल आहे उहा आइन साज असेंबली आइन साज पार्लियामेंट जी नज़र जेका औकात इन जी इन इन हुकूमत जी नज़र में कुझु कोन्हे त यकीन उहे सभु इदारा जेके इन जी मर्ज़ी ऐं मंशा मुताबिक़ नतीजा न ॾींदा जेके इन जी मर्ज़ी ऐं मंशा मुताबिक़ न हलंदा उन खां पोइ हिकिड़े या ॿिए वज़ीर खां इहे हवाई फायर कराए उन्हनि खे फारिग़ कयो वेंदो मां पाण ईअं नथी सम्झां त इहो को अहिड़ो हवाई फायर आहे जंहिंजो जेको जेको हवा में ठकायो वियो हिन जी ग्राउंडिंग आहे ऐं इनखे तकरारी बनाइण जे लाइ इहो ख़ासि तौर ते चवरायो वियो आहे न रुगो चवरायो वियो आहे तव्हां मुस्तक़बिल में ॾिसंदव त इन बुनियाद ते इन ग्राउंडिंग आहे टारगेटेड आहे ऐं चवरायो वियो आहे इदारे खे कंट्रोवर्शियल करण लाइ तव्हां हिते इन ते कंक्लूड कंदा छाकाणि त इन इन इलेक्शन कमीशन खां ई नतीजा वठणा आहिनि जेके जेका ईंदड़ हुकूमत ठहे थी या जेका उनखे जेका असां सूट करे उहे नतीजा हिन महिल ताईं ही इलेक्शन कमीशन ॾियण में नाकाम वई आहे जी नसीर मेमण साहिबु तव्हां मूंखे ॿुधी रहियो साईं नसीर साहिबु तव्हां मूंखे ॿुधी रहियो जी दादा सर अगारो तव्हां सां राब्तो सर कम्युनिकेशन थोरी बहाल न थी उनजे करे कटिजी वियो तव्हां कंटिन्यू कयो पंहिंजे मौक़े ते तव्हांखां पुछणु चाहियूं था त हीअ आख़िर फेडरल गवर्नमेंट छा थी करणु चाहे ई वी एम जे मामले ते इलेक्शन कमीशन सां ॾिसो हिन फेडरल गवर्नमेंट सां हिकिड़ो शदीद प्रॉब्लम आहे त हू हर ॻाल्हि जो जवाबु हा में ॿुधंदो न हू पार्लियामानी प्रोसेस में न डायलॉग में न डिस्कशन में न मुखालिफ़ धुर सां ॻाल्हाइणो आहे सभु चोर आहिनि
हाँ जे इदारा बस माना पार्टियों तो सब चोर थी वे उन नजर में उन अगुआन भी सब चोर थी हाँ इदारा उ वारे वारे से चोर हूँ तो हि पैसा था वन भाई आखिरी इलेक्शन तो 2018 में थी साथी साहब के बुधान घुर्जे तो कंखा केतरा पैसा कड़े इलेक्शन कमीशन के मूँ वरता हुआ जैमें हि हुकूमत ठाए वह सो ये तो सीरियस इल्जाम रही गाल इलेक्शन कमीशन की पंजी तारीख पुरुगो इलेक्शन कमीशन पुबेने तार आईनी दार से बारा सवाल निकली सन था 70 साल की तारीख तो खुलियल किताब कल छुटल कान्ने सभी के खबर आ पर स्टेट जो इलेक्शन कमीशन से हमलो आ सो कं प्रिंसिपल स्टेट को हि इदारो ठीक को ठीक करो अच्छा जो उनके ठीक करो तो जो सांगी साहब चे पे तो मुमकिन है इनके डिसबैंड करना चाहता हुजन फर्ज कर उनके टोड़े था छन तो सुभाने नई इलेक्शन कमीशन ठाने जो तो आईन में तरीको मौजूद है मुखालिफ दुर से वरी गलानो पवो एक मेंबर भी इलेक्शन कमीशन जो तुम कें सूबे जो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिवाय मुखालिफ दुर मान एडवाइस जे डिस्कशन जे जो भी उन्हें आईन में लफ्ज लिखल है मुझे एग्जैक्ट को कंसल्टेशन लिखल है सर उनके साथ करा सो सो जैसे एकड़ो मेंबर ना कर सो उन सजी इलेक्शन कमीशन डिसबैंड कह तो सुबह तो तक पंज मेंबर खड़ा हूं वो कह सो हि प्रॉब्लम है हुकूमत जो हि डायलॉग कर में बिलीव नी कर हि गाल में यकीन ना रखे इनके नजर में हि साफ पाक पोती है साध आन दुनिया सजी चोर में इन बदल आ तो मार्शल हणा छद तो यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तक अगली तो वे थी नी वे देर इज ऑलवेज टू बी अ डायलॉग ऑलवेज तक गालो पव नेगोशिएट करो पव स्पेस वा पा स्पेस दियणा पवंदा यो ही सियासत जो आर्ट है पर इन बेसब्र इमरान के हर सवाल जो जवाब हा में खे अज इलेक्शन कमीशन जो है मुझे लफ्ज याद रखो सुबह जन सालों वा इन हावारा जवाब न मिलया मामले से तुमजो ही उन ही बोली गाला छो तो हि यह बोली गाने का हिराक है यह साथी साहब की बोली कान यह बोली उन पार्टी के अंदर क्यादत के अंदर काबीना के अंदर इं ही गाले वे थी सभी ये गाले वे थी हाँ उनके जबान से लफ्ज चढ़ी वह बाहे दई छो तक याद आ शेख रशीद तकरीर कई जला दूंगा भाषण कर दूंगा खान साहब बिल साड़े छो पार्लियामेंट भी साड़े छो सो इनो क्रोध जो भरल है वो प्रोसेस में जला दो तोड़ दो उड़ा दो इतिहादी बड़े किस्म जन जो माइंडसेट बड़ो थी इन रवैये से मुल्क हुकूमतों रियासत जहां निजाम न हल्दा हि बड़ी अनारकी पैदा कंदा वो घट पैदा कर तरफ वन पा इदार टकराव में वही इनका कॉन्सिक्वेंस मुल्क के लिए पूरे कला सुठा को जी नसीर साहब इनाम भट्टी साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे से टकराव में अचान उन अड़ी बोली गाल या फ्रस्ट्रेशन की लेवल वी न वही है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आखिर ईवीएम ने मामले से इलेक्शन कमीशन एक राय दिनी उन सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जैसे सिद्धी रीत इल्ज़ाम हाने तो उन में उन्होंने साबित करना चाहन था नतीजा हासिल करना चाहन था उर्दू में जो चवे आप बेल मुझे मार मुख्य लगे तो हाँ पीटीआई का को अड़ो कम जरूर कराया वो जिसे कें इदारे से टकराव में वे इदारे के टकराव के नतीजे में के अड़ा फैसला थन जे इन सजे हिंर वो जो मौजूदा माहौल है उनके कें अगते खी वे समझा तो एक सवाती साहब की शायद पर्सनल फ्रस्ट्रेशन नजर थी अचे तो ईवीएम मशीन के इलेक्शन कमीशन रद्द किया उनकी का जाती कंपनी आ जैके कारोबार मिलने जो वो आसरो अरबा रुपये जो उनको बिजनेस उड़ंदे नजर अची वो शेख चिली वाला ख्वाब जो ठा वेटो हों तो शायद थी सके तो उनके सजा उड़ंदे नजर इंदा हुजन एकड़ो पासो तो यो है पर बो पासो यो है तो हैरत जड़ी गाल है तो सिटिंग गवर्नमेंट जै जैसे इलेक्शन कमीशन से इन किस्म जो तरीक़ेकार अख्तियार करे जुबान जो तो उनकी इलेक्शन कमीशन की अहमियत अफादियत उनकी खुदमुख्तियारी किथे रही जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर इं ही हुकुमरान जमायतुन की हर ख्वाहिश के पूरो करे हर उनके आर्डर के कबूल करे तो समझा तो इन वक्त जो थोड़ी घनी का कें एतमाद की नज़र हुए उन 100% को जीरो थी वी यानी हि चाहन था तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मिल तरह से इनके एग्जीक्यूटिव आर्डर्स के ओबे कर अमल करे जैसे इलेक्शन कमीशन जहाँ रूल्स रेगुलेशन्स सिस्टम है उन सिस्टम तहत उनके अंदर जो भी तब्दीलियों इंदियों जो भी इलेक्शन जो प्रोसीजर आ उन प्रोसीजर में भी जो तब्दीलियों इंदियों उ डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पा भी नी कर सके उनके पार्लियामेंट में वो सब शूं खी वही उनके दियण इलेक्शन कमीशन एतरे पे मुकम्मिल खुदमुख्तियार होने के बावजूद भी कायदा कानून जो उ भी उन पूरे दायराकार में जोड़े सके थी जी इनके असेंबली ठाए जे थी ये को सुबह इलेक्शन कमीशन जो जो चेयरमैन थी वे उनका जो मेंबर्स गजी कोई भी तरीक़ेकार ठाए छन यो भी मुमकिन को समझा तो टकराव वाली पोजिशन वे थी पी
उहा किथे ईअं न थिए त मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन जे टकराव में अची के अहिड़ा क़दम खणे जेके मुल्क जे अंदरि कंहिं हिकिड़े वॾे सम्झो त ख़राबीअ खे जनम ॾियनि या मुल्क जे अंदरि कंहिं वॾे जेको आहे सो अदम इस्तहकाम खे जनम ॾियनि, छाकाणि त हींअर जेके इलेक्शन्स ते जेकॾहिं ख़ुदि गवर्नमेंट जो बि इहो रवैयो हूंदो त इलेक्शन कमीशन ते त अॻे ई अपोज़िशन ते इल्ज़ाम हणंदी रही आहे, पर हीअ त ख़ुदि जॾहिं इलेक्शन कमीशन जेके माज़ी में इलेक्शन्स करायूं 2013 वारियूं जी आउं सम्झां थो उन वक़्त में इहा ई पीटीआई हुई जंहिं हुनखे मुकमिल तरह ते रिजेक्ट करे छॾियो ऐं ख़ुदि ॿियूं पार्टियूं बि ईअं ई कंदियूं रहियूं आहिनि। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो इलेक्शन कमीशन खे इन्हनि शयुनि ते एक्शन बि खणणु खपे, उनजे पंहिंजे ई दायराकार में इहो आहे त चूंडियल असेंबली जा नुमाइंदा जॾहिं इलेक्शन कमीशन ते अदम इस्तहकाम या उन ते प्रेशराइज़ करण जी का कोशिशि कनि, इनखे आउं चवंदुसि त दिस इज़ टोटली इंफ्लुएंस गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन जे मथां पंहिंजो हुकुमरानी दबाव वधाइण जो टेक्टिक आहे। इहो जेकॾहिं तरीक़ेकार हू इस्तेमालु कनि था इलेक्शन कमीशन खे, उन ते एक्शन खणणु खपे ऐं सिधो सो हिन जी वज़ाहत थियणु खपे आया हुकुमरान जमायत उन ते इहो प्रेशर अप्लाई करे कहिड़ा नतीजा थियणु घुरे थी। जी जी इनाम साहिबु, कहिड़ा नतीजा हासिलु करणु घुरे थी। हलूं था हिकु ॿिए मौज़ू ॾे, जेको गुज़िरियल ॾींहं जो आहे, पी डी एम। हाणे चइजे त पी डी एम जो मुक़ाबिलो हाणे सिंधी रीति किथे पीपुल्स पार्टी सां त न आहे, छाकाणि त गुज़िरियल ॾींहुं जेका बयानबाज़ी नज़र आई पहिरियां बिलावल साहिब जे तरफ़ां त हीअ मफ़ाहमत ऐं मज़ाहमत न मुनाफ़िकत आहे, जंहिंजो जवाबु सिंधी रीति मौलाना फज़ल रहमान ॾिनो। इहो हिकिड़ो हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे, जवाबु नून लीग खे ॾियणो हो, नून लीग जे बदिरां मौलाना साहिबु ॾिनो ऐं मौलाना साहिबु सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई बिलावल भुटे लाइ ऐं चयो त बिलावल भुटे इस्टेब्लिशमेंट जे चवण ते पी डी एम खे ट्रोड़ियो। उन सां गॾु गॾु हुननि चयो मीर जाफ़र ऐं मीर सादिक वारो किरदारु अदा कयो। हलूं त नसीर महमूद साहिब ॾे। नसीर साहिबु, तव्हां मूंखे ॿुधी रहियो? नसीर साहिबु सर, नसीर साहिबु, तव्हांखे इहा उमेद हुई त एतिरो जल्द पी डी एम में वेठल इतिहादी धुरियूं एतिरी हार्श ज़बान, एतिरी सख़्तु ॿोली हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कंदियूं? बिलावल साहिबु चए थो त हीअ मज़ाहमत या मज़ाहमत या मुफ़ाहमत न पर मुनाफ़िकत करे थी नून लीग। जवाबु नून लीग जे तरफ़ां नथो अचे इन सख़्तु ॿोलीअ जो, जवाबु अचे थो मौलाना फज़ल रहमान जे तरफ़ां साफ़ सिधा लफ़्ज़नि, इस्टेब्लिशमेंट जे चवण ते बिलावल भुटे ज़रदारीअ पी डी एम खे ट्रोड़ियो। इन सॼे एपिसोड मां तव्हां नतीजो कहिड़ो था कढो? भला भाग पी टी आई जा जंहिंखे अहिड़ी मुखालिफ़ ज़रूरत ॾिनी ऐं पी टी आई जी वाहिद चङी शइ इहा मूंखे हींअर ताईं नज़र आई आहे त हुनजी मुखालिफ़ ज़ोर में दमु न रहियो आहे। दमु कीअं न रहियो आहे? हिकिड़ो त डिवाइडेड आहिनि, ठीकु आहे, हाणे हुनजे पुठियां वञिबो त वरी कंस्पेरेसी थिया थी था आहिनि। पीपुल्स पार्टीअ ते बि चार्जिस आहिनि, बाक़ी पी डी एम बची विया चार्जिस हुन ते बि आहिनि। पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी अहिड़ी स्टेट ते पी डी एम मां वाकई हथु कढियो जॾहिं इहा सिचुएशन हुई त जेकर पी डी एम सिंगल एंटिटी तौरु हुन सॼे एजेंडा ते बीहे आ त शायदि हिन हुकूमत लाइ तमामु वॾी तकलीफ़ वारो माहौल पैदा थिए। हाणे पीपल्स पार्टी छो हथिया हिन ते वॾो डिबेट आहे, पर फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ी घड़ीअ लाइ मञी था छॾियूं त पीपल्स पार्टीअ इस्टेब्लिशमेंट जे चवण ते हथु कढी पी डी एम खे वोट खे अंडरमाइन करे छॾियो। सर 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 माफ़ कयो, इंटरप्ट कयां सर। नसीर साहिबु, तव्हां इंपॉर्टेंट नुक़्तो कयो आहे, बयानु कयो आहे, पी पी ए छो हथु कढिया? असांजा नाज़रीन सम्झणु चाहींदा, असां बि सम्झणु चाहियूं था, तव्हांजो ख़्यालु छा आहे, छाजे करे पी पी ए हथु कढिया? मूंखे लॻे थो त हिकिड़ो त जेको पी डी एम जे अंदरि अंडरस्टैंडिंग हुई जिन शयुनि ते स्ट्रक्चर जे तरीक़नि ते पी डी एम उन खां कुझु पी डी एम जी कुझु तरियूं ख़ासि तौर ते मौलाना साहिबु उन स्कोप खां ॿाहिरि वञी कुझु वधीक स्ट्रांग एहतजाज वारी वेव में वञण ते चाहियो ऐं पीपल्स पार्टी उन लाइ राज़ी न हुई। मुंहिंजो इहो ख़्याल आहे ॾिसो त जॾहिं इस्तीफ़ाउनि जी ॻाल्हि अचे पंहिंजो असेंबलियुनि सां त सभिनी खां वॾा स्टेक पीपुल्स पार्टी वटि आहे जो हुन वटि हिकिड़ो सूबे जी पूरी हुकूमत हुई। उहा नेशनल असेंबली मां इस्तीफ़ा ॾेई सूबे में वेठी हुजे ईअं बि न हली सघियां। नवाज़ शरीफ वटि किथे बि हुकूमत कान हुई, फज़ल रहमान साहिब वटि किथे बि कान हुई, तंहिंजे करे हू इस्तीफ़ाउनि वारे एक्सचेंज ते वञण लाइ राज़ी न हुआ। हाणे इन में वीचारो मिडिल पास करण बजाए हू हिकदमि हिकिड़ी एक्सट्रीम ते हलियूं वयूं शयूं ऐं हिकु हद ताईं ज़ाहिर आहे पीपुल्स पार्टी छा मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं इहे सभु इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हाइनि था जंहिंखे चिटे वारो मिले थो जंहिंसां इक्वेशन सेट थी वञे थी उन नथी थी वञे, जिन सां नथी थिए उहो चए थो मां इंकलाबी आहियां, ॿिया गदार आहिनि, इस्टेब्लिशमेंट सां सभु ॻाल्हाइनि था। मामिलो आहे त डील करण सां थी थिए, सुठी थी सघे थो पीपुल्स पार्टीअ सां अंडरस्टैंडिंग थी वई हुजे जेका हिननि सां न थी हुजे, सुभाणे थी सघे थो पीपुल्स पार्टी आउट थी वञे, हीअं थी वञनि, हीअ त पुॼाणी पुठी सॼी हिस्ट्री पई आहे न, हीअ त नई ॻाल्हि आहे कान।
तो इन वक्त मौके से पीपुल्स पार्टी जो हथ कन पीपुल्स पार्टी गदारी कई चाहो शहीद अचान पीपुल्स पार्टी छोड़ो हो जो कुछ भी कर पर बाकी जी अड़ी सारी पीडीएम वेठी वह छो गैर मुतारिक थी जहाँ पीडीएम वाकी सीटू न हो इस्तीफा देने लाइक उन्नीस सेंतरी में पंजाब में टिकरी से बीठल है हुकूमत बिलाल भुट्टो चे तो अचो तो पहले उतना शुरू क्यों उनकी था हुकूमत हटाई तरह नंबर नेशनल असेंबली में न हुआ पर पंजाब में तो थोड़ी हिम्मत कन पॉसिबिलिटी एफआरटी नी थे बी गाल अवामी जिदोजहद की गाल पीपुल्स पार्टी दई वी सिंध में मू कढे हाँ पंजाब में तो ठीक है जलसन वलसन में तो मू कढे थी पर जो पॉलिटिकल फोर्स माइट हिंसर नवाज लीग वा जो सरहद बलोचिस्तान में जेवर वा जो टोटल वॉल्यूम मानून जो निकरिया तो सत्तर इन मू अचना हुआ जो मानदारो सो लगाया उमाने पे सकिया प्रेशर बढ़ाने ला पीपुल्स पार्टी के वन नवाज लीग जेवर जै तरह पुठिया पेर कया मूवमेंट के खुद ही खत्म कर छो यो भी सवाल आ निशाना तो उन्होंने छो उन हाथ कड़िया मुख्य तो बई दुनिया उनमें एक जेतर जवाबदार नजर थो अचन आखिर में मार चवस तो इन सही सूरत हाल जो फायदो पीटीआई के थो एस्टेब्लिशमेंट के थो तो वो दमर जो उन्होंने ची पे सियासत दौर टरी वो अना तखालिफ दौर एक बे से ाल तैयार को कराया बैठा जी नसीर महमूद साहब अमर सिंधु साहब तन बाबत राय होंगी जो गुजरल ढी पे तो नून लीग से कैटेगोरिकल इल्ज़ाम हया बिलावल साहब उन जवाब नून लीग के तरफा ना आयो मौलाना साहब के तरफा आयो हाँ नसीर साहब जो एक्सप्लेन कई है गाल पीपुल्स पार्टी छो हथ कढ़िया हाँ एक दावा है नून लीग के तरफा या जो उन सर्कल के तरफा दे वर गोइंग टू बी रेवोल्यूशनलाइज्ड इन दैट एरा माना कुछ अरसों अगे वो वही रहा हुआ एक वही तब्दीली आने लाइ त्याल में हाँ ये जो मामलो इन नोयत अची पौतो है तो हाँ सिद्धी रीत इल्ज़ाम एक बे हणजन तो हाँ नेक्स्ट जो कुछ फेज इंद जैमें तो वे मे बी को चेंज जो फेज अचे तो उन चेंज के फेज में बई धुरियों समहाव किथे बार्गेनिंग कर रही हैं उन बार्गेनिंग के बेस से एक बे का स्पेस वालारण लाए ये सब कुछ थी रो ऐसो मु तक अग में भी हो जी माल हि पीडीएम ठही तो असा काफ़ी दोस्त साथियों जो ख्याल हु तो हिड़ी तहरीक हली रही है उन तहरीक के अंदर का एक आइडलिस्टिक सिचुएशन की डिमांड भी हुई एक्सपेक्टेशन भी हुई हकीकत यह है तो पाकिस्तान जो जो ग्राउंड रियलिटीज आज उनमें हाई एक्सपेक्टेशन से वन तो जैमें इकतदार जो सवाल किथे भी ना इंदो ही असा जमहूरियत की जंग अड़ी का जंग है जैमें आखिरी जो सो देखो नुकतो है या आखिरी जो पॉइंट है वह इकतदार है हकीकतन ही जो सो इनके सजे पीडीएम के दिसन खपे तो पीडीएम जो ठहण ही यो हो तो कड़े तरीके से वह हुकूमत जे हुकूमत के लिए सजी अपोजिशन उनके सिलेक्टेड चवी रही है वह हुकूमत जैसे सजी अपोजिशन जो ख्याल है तो वह एतरी पॉपुलर को उनकी हैंडमेड पॉपुलरिटी है या उनकी कॉस्मेटिक पॉपुलरिटी है उन कॉस्मेटिक पॉपुलरिटी के किं एक्सपोज कर नंबर वन नंबर सेकेंड है तो उन बुनियाद से किं कमजोर कजें बारह जे आम तौर पर असंदा आयो तो जे भी जमहूरियतूँ या जे भी हुकूमतू हलंद उनके प्रेशर जो बारह बेन कुवतन के पारा आंदा हि पेरी जहाँ हुकूमत है जैसे बारह शुरू का वी हेल वक्त तक एक सपोर्टिंग पिलर तो न पर हकीकत में फाउंडेशन ही उ रही है जैसे लाइ चवंदा रहा है कॉस्मेटिक पॉपुलरिटी रही है उन कॉस्मेटिक पॉपुलरिटी इन बुनियाद से जैसे हमेशा ये पाकिस्तान में एमआरडी का वी हाँ तीन बल्कि एमआरडी का भी अची तो जो कौमी इतिहाद हुई जहाँ भुट्टो के खिलाफ तो एक इतिहाद की सूरत में जो अपोजिशन माहौल जनरेट कंदी है जे माहौल से उन सिटिंग गवर्नमेंट है उनके खिलाफ अवाम के मोबिलाइज कर सके उन हद तीन दिसो तो पीडीएम कामयाब वही पर पेरी मां इन ते जरूर गलन चाहिंदस तो पीडीएम ठाई के हुई सवाल यो पैदा थे तो ये नवाज शरीफ उनकी एक्सरसाइज हुई ही का मौलाना जी एक्सरसाइज हुई न रुगो ही पीपुल्स पार्टी जी एक्सरसाइज हुई पीपुल्स पार्टी जो प्रोजेक्ट हुए पर पीपुल्स पार्टी जदे इनके ठाए बस कयो तेदी माल खबर होजन खपे इन सदारत के हवाले से जो गाल हुई तो उत्ते मामला ये थिया तो इख्तलाफ़ राय या सॉरी इनके चेजे तो मेजॉरिटी वोट्स से फैसला थींदा मेजॉरिटी वोट्स से फैसला थियण जो यो हो
जेॾी महिल मौलाना फज़ल रहमान जेको हिकिड़ो अॻु ई धक पचाए वेठो हुयो वॾे हिकिड़े जेके इन जो मार्च ऐं उन मार्च जे हवाले सां बि हिकिड़ी ॻाल्हि न विसारणु खपे त उन उहा मार्च शुरू सिंध मां थियो हुयो ऐं सिंध हुकूमत वाहिद हुई जंहिं हुनखे सपोर्ट कई जंहिं हुनखे मैडम हिते माफ़ कजो इंटरप्ट थो कयां तव्हांखे हिकिड़ो नंढी शइ तव्हांखां सम्झण ऐं पुछणु चाहींदुसि स्टेक्स तमामु वॾा आहिनि नू लीग जा हुजनि या पीपुल्स पार्टी जा हुजनि फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट में बि इन्हनि जे विच में ई डिसाइसिव फैक्टर हूंदो त केरु कंटेस्ट कंदो इलेक्शन हिकु ॿिए जे ख़िलाफ़ु बीहंदा रहीम यार ख़ान में जेकॾहिं बिलावल भुट्टो साहबु वियो आहे त मे बी उते त इहो चयो थो वञे त फ्यूचर में मुक़ाबिलो पीपुल्स पार्टी नू लीग जो थींदो तव्हांजे ख़्याल में छा हींअर ई हिननि जे विच में इलेक्शन जी कैंपेन शुरू थी चुकी आहे ऐं कुझु हासिलु करण लाइ ॿई धुरियूं हिकु ॿिए खे जेको आहे टारगेट करे रहियूं आहिनि न हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि त उन टाइम ते बि तय हुई तव्हां छा जेका असां उनजी पूरी जेकॾहिं ॿुधो त उन टाइम ते बि चयो हुई त हीउ इलेक्शन ई इतिहाद कोन्हे बावजूद इन जे त हिन सिटिंग गवर्नमेंट में जेका मूंखे एक्सपेक्टेशन कोन हुई जेको गिलगित में थियो त इन्हनि जेका असां इन हिकिड़े इतिहाद इलेक्शन ई इतिहाद जी सूरत में हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु जेके असां माण्हू न बीहारिया हिकिड़ियूं हरीफ़ जेके जमातूं आहिनि उहे पीपुल्स पार्टी ऐं जेके असां हू रहियूं आहिनि माज़ीअ में उनखां पोइ विच में जेका असां ख़ासि तौर ते पंजाब में जेका पीपुल्स पार्टी जे आउट थियण खां पोइ जेका अनचैलेंजिंग जेका रही आहे नून लीग उन नून लीग जी मेजॉरिटी खे टोड़ण लाइ ही जेका असां तहरीक इंसाफ़ खे वधायो वेझायो या उनखे कॉस्मेटिक पॉपुलैरिटी ॾिनी वई त जीअं नून लीग खे जेका असां धक खणी सघिजे ऐं कंहिं हद ताईं जेका असां उहा स्ट्रेटजी जी इस्टैब्लिशमेंट जी या ही उहा कामयाबु वई ऐं जेका असां हुकूमत मिली वई पर हक़ीक़त जेकॾहिं ॾिसजे त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी बि जेकॾहिं इन बुनियाद ते बीहंदा ऐं जेकॾहिं नून लीग इन ॻाल्हि खे सम्झंदे त पंजाब जे अंदरि मां नथी सम्झां बल्कि को बि तज़िए निगार नथो सम्झे त सुभाणे खां पीपल्स पार्टी उन जे लाइ चैलेंजिंग थींदी हाणे जॾहिं ॻाल्हि अचे थी त मूंखे ईअं महसूसु थो थिए जेका क़ौमी हुकूमत वारी ॻाल्हि आई आहे अहिड़े क़िस्म जी त मूंखे ईअं महसूसु थिए थो त ॿई धुरियूं माना पीपुल्स पार्टी बशमूल नून लीग जे इहे जेका बि असांखे हिसोपती केतिरी मिले हाणे जेका असां हिसोपती केतिरी मिले छाकाणि त किथे बि मूंखे इहा ई तहरीक इंसाफ़ आउट थींदे नज़र नथी अचे हाणे ही जेको जहिड़ो आहे उहो जहिड़ो जेको सो नेक्स्ट इलेक्शन में नेक्स्ट गवर्नमेंट जे बजाए ऐं उन गवर्नमेंट में जेका हिसोपती ठहणी आहे उन हिसोपती जे लाइ जेका आहे छाकाणि त हिकिड़ी ॻाल्हि पए आहे त पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी मखसूस प्रोपोज़िशन सां मेजॉरिटी ॾियारे हिकिड़ी मखसूस प्रोपोज़िशन सां कमज़ोर हुकूमतनि जो जेको दौरु आहे नेक्स्ट जेका बि ईंदड़ इलेक्शन हूंदी इहा ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾियो त उहा जेका असां बग़ैर कंहिं इतिहाद जे बग़ैर कंहिं आज़ादु अहिड़ी पोज़िशन में कॾहिं बि न ईंदी जेका पंहिंजी जेका असां हुकूमत ठाहे सघे पंहिंजी हुकूमत ठाहे सघे तव्हांजो ख़्यालु आहे हिननि जो जी 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 कंक्लूडिंग जुमलो ॿुधाइजो मूं टाइम घटि ही जेके आंसर इहा जेका 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 वार आहे उहा उन लाइ आहे त हाणे उन्हनि ॿिन्ही मां केतिरो हिसो मिली सघे थो उहा वक़्त खां अॻु में शुरू थी चुकी आहे जी इहा हिसे ते वार आहे वक़्त खां अॻे शुरू थी चुकी आहे जी हलूं त इनाम भट्टी साहिबु इनाम साहिबु तव्हां हिनखे कंक्लूड कजो कलो को जहिड़ो तव्हांजे साम्हूं आहे सिधा हिकु ॿिए ते वार हुआ मौलाना साहिबु त सिधो ज़िमेदार बिलावल साहिब खे करार ॾिनो तव्हांजी राय छा हूंदी हिकिड़े आम शहरी जे हिसाब सां खणी चवां त इहे जेके बि जमायतूं आहिनि उन्हनि हक़ीक़त में त अवाम जी पुठीअ में छुरो आयो आहे हिकु ॿिए खे हिननि हयो या न हयो हिननि मज़ाहिमत जो लालीपॉप ॾेई अवाम सां मुनाफ़त कई आहे ऐं उन में ई सभु जा सभु शरीकी अमल आहिनि इन्हनि खे पाण खे इहो सोचणु खपे त जॾहिं हिकु थालीअ में गॾु खाइनि था ॿिए ॾींहं ते वरी हिकु ॿिए ते अहिड़ा इल्ज़ाम हणनि था त इहे सियासतदान न बल्कि हिकिड़ा वापारी आहिनि कारोबारी आहिनि जिन जा जॾहिं मुफ़ाद पाण में टकराव में ईंदा त उते हू कहिड़ी बि हद ताईं वञी सघनि था तंहिंजे करे आउं सम्झा थो सियासत हिननि जे लाइ अवाम ऐं समाज जे कंहिं बि भलाई जे लाइ न आहे पर पंहिंजे ज़ाती कारोबार जे लाइ ऐं उनमें सभ खां सस्तो हिननि जे लाइ कारोबार इक़्तदार जी हासिलात आहे हर लिहाज़ खां हर तरीक़े सां उन्हनि खे सिर्फ़ु कुर्सी खपे मसदद खपे असां ईअं सम्झो हो त ही असां न सम्झो आऊं त पहिरें ॾींहं खां वठी इहो चवंदो रहियोसि त हीअ इक़्तदार जी ड्रोड़ आहे ऐं कॉरीडोर में पोइ जेको अॻिते ईंदो उनखे ई सभु कुझु मिलंदो पर हीअ जेको अवाम खे बेवकूफ़ बणाइनि था उते जेको हुनखे ॾेखारनि था त हीअ शायदि को इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु एतिरी सारी जदोजहद कंदा ऐं सभई गॾिजी करे पाकिस्तान जे सियासत जी तकदीर तब्दील करे विझंदा पार्लियामेंट जे अंदरि वोट खे इज़त जे नाले सां खणी अची करे हिते सभु जमहूरियत जा उहे क़दुरु पूरा कंदा जेके आलमी दुनिया में जेको आहे जमहूरी क़दुरु आहिनि पर इहो सभिनी अवाम खे सोचणु खपे हुनखे ॾिसणु खपे त हीअ पंहिंजे इक़्तदार लाइ कंहिं बि हद ताईं वञी सघनि था
आउं समझा तो बिलावल के भी सोचन खपे तो जेकरे सियासत में इख्तलाफ राय रखनो ही आए तो कै मुहज़िब तरीके से रख दे ऐ जेकरे इख्तदार हासिल भी करनो आए तो कै अड़े तरीके से हासिल कजे जो सुभाने वो जिल्लत ए ख्वारी जो सबब न बणजे ऐ सागी गाल उनन बेन जमायतन लाई भी आए नून लीग ए मौलाना फजल रहमान दे राय भी तो उए भी वरी कदे किथे गद थींदा के न कै आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी वेंदा वरी उता कदे को इतिहाद भी जुड़ंदा ऐ पो सागे तरीके से ही केड़े मुंह सा एक पे जे दरन ते वींदा ताऊं समझा तो अवाम के सोचन खपे तही उए सियासतदान न थो जिन के ता समझो ता तही को ता के निजात तैयारींदा ई कहजा भी निजात दंदा कोन नी पंजे इख्तदार जे हासिलात लाए ने हाणे जे काई वेड रोड हले थी पई उन में एस्टेब्लिशमेंट इन सबनी के यो ही आशीर्वाद दई छड्यो आ त जेको ता मा अगते हुंदो नंबर 1 ते उन के ही हु कबूल कंदा तंजे करे ही सब हाणे एक पे के नीचो देखारण जी कोशिश कंदा हैरत ही आए त बिलावल जो हियर सजो डायरेक्शन जी अपोजिशन के खिलाफ आ उन जी हर तकरीर अपोजिशन जे जमायत के खिलाफ आ हुकूमत छाती करे हुकमरान जमायत छाती करे उन ते उन जो एतरो फोकस कोने जेतरो उन जो मौलाना जी इनाम साहब मोड सिर्फ 40 सेकंड में मुके 40 सेकंड में बुधायो स्टेक्स केतरा वडा हन ए फ्यूचर में इनन जी वेड में ही एक बे के सिर्फ स्पेस हासिल करने ला टारगेट करे रहे हन बिल्कुल स्पेस हासिल करने ला करे हन आउ ता कर इते ही नई भी बुधाया तो जेका पीडीएम हासिलत करनी पीपल्स पार्टी के वा पीपल्स पार्टी पीडीएम के दौरान हासिलत करे वरती गिलानी के कै भी तरह सा सेनेट में पहुंचाण उन जो टारगेट हो वो पहुंची हो हाँ उन जो अगते हली करे ता दिसंदो तो केड़ो वरी टर्न तो अचे यो 2023 जे इलेक्शंस का पोस्ट जी का सेटिंग होंदी उन में ता के उन जो नजर जी जी वडी मेहरबानी इनाम भट्टी साहब अमर सिंधु साहब नसीर मेमन साहब ऐ सोहेल संगी साहब ता पाजे कीमती राय का संगे आगा कयो नजर ते प्रोग्राम में टाइम पानी पुजाणी ते पहुंची रहयो पाजे मेजबान जुनेद अंसारी की दिंदा इजाजत सदाई घर